नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। दरअसल गोहाना में बीजेपी की किसान धन्यवाद रैली हो रही है। तीन कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी ये किसान धन्यवाद रैली निकाल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रैली में शामिल है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी रैली में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रैली में शामिल है और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी रैली में मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल बीजेपी की तरफ से ये किसान धन्यवाद रैली निकाली जा रही है गोहाना में, और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद हैं और उनके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस रैली में शामिल है। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल तीनों कृषि कानूनों को लेकर ये बीजेपी की तरफ से किसान धन्यवाद रैली निकाली जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोहाना में बीजेपी की तरफ से ये किसान धन्यवाद रैली निकाली जा रही है। तीन कृषि कानून के समर्थन में ये ट्रैक्टर यात्रा बीजेपी निकाल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्रैक्टर यात्रा की थी और उसी के जवाब में अब बीजेपी भी ये ट्रैक्टर यात्रा कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि इस रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वो मौजूद हैं और उनके साथ साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी रैली में शामिल है। आपको ये बता दें कि दरअसल कृषि कानून के समर्थन में ये धन्यवाद रैली हो रही है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोहाना में बीजेपी की तरफ से किसान धन्यवाद रैली निकाली जा रही है जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल भी शामिल है और उनके साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस रैली में शामिल है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी रैली निकाली गई थी और उसी के जवाब में अब बीजेपी भी ये किसान रैली निकालती हुई किसान धन्यवाद रैली बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है तीन कृषि कानून के समर्थन में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गोहाना की है तस्वीरें जहां पर बीजेपी ये किसान रैली निकाल रही है, किसान धन्यवाद रैली बीजेपी की तरफ से ये निकाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम जुड़ चुके हैं। बलराम, फिलहाल क्या अपडेट? बताना चाहूंगा, कृषि मंत्री ने ट्रैक्टर को झंडी दिखाई है और उसके बाद अभी यहाँ पर जो रैली स्थल है यहाँ पर कृषि मंत्री और ओपी धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन लगातार जो किसान अपने ट्रैक्टर पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाओं में कुछ फेरबदल किया गया है। जो पहले स्टेज पर कुर्सियां लगाई गई थी उन्हें हटा दिया गया है, जमीन पे नीचे ही बैठेंगे और जो पब्लिक के लिए कुर्सियां लगाई गई थी वहां पर ट्रैक्टर पर ही बैठकर अपने नेता की बात सुन पाएंगे और किसान अध्यादेश इनको लेकर जो बिल पारित हुए थे उनको लेकर जो यहाँ पर संबोधन किया जाएगा उनको किसान सुन पाएंगे, ट्रैक्टर पर बैठ के ही सुनेंगे। हाँ, लेकिन फिलहाल वहाँ पर कौन कौन नेता पहुँचे हैं ये भी जरा आप जानकारी दें। बताऊंगा, स्थानीय नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गोहाना मंडल के अध्यक्ष हैं अरुण बुड़ोक हैं। लोकल जो नेता है वो ही यहाँ पर अभी मौजूद हैं। बड़े नेता अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं, वो ट्रैक्टर के काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे किसानों के साथ। जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बलराम ये किसान धन्यवाद रैली निकाली जा रही है, अब देखिए बड़ौदा उपचुनाव भी है और उससे पहले ये रैली निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। बताना चाहूंगा, ये रैली हम कह सकते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो किसानों में रोष बना हुआ था, और उपचुनाव है किसानों की एक बड़ी वोट बैंक है जो लेने के लिए यहाँ पर किसानों को जो बरगलाया गया था उनको समझाने के लिए उनके बीच में जाकर किसान अध्यादेश के बारे में बताने को लेकर, कृषि अध्यादेश के बारे में बताने को लेकर ये किसान धन्यवाद रैली निकाली गई है। जी, लेकिन ये भी देखिए जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गोहाना आ सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली है? जब वो दिल्ली रवाना होंगे उससे पहले वो गोहाना आ सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? बताना चाहूंगा, गोहाना का जो बीजेपी ने अपना पार्टी कार्यालय ऑफिस बनाया हुआ है, मीडिया सेंटर है, वहाँ हमने बार बार पूछा भी है लेकिन स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है कि इस प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं कल कृषि मंत्री ने इशारा किया है यहाँ पे मुख्यमंत्री कल आ सकते हैं 10 तारीख को और एक प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। और जो मीटिंग है सोनीपत है, एक मीटिंग है जहाँ पर जो कैंडिडेटों ने अपने आवेदन दिए गए थे उन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।